देखिए नथ जेवरिया जंजीर सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। चलो चलो जल्दी मावा को अपने हाथों से खाना खिलाओ। गौरी आप ठीक तो है ना? चल रहा है पापा। और बेटा इधर। हमरे गौरी 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 बेटा गौरी बेटा क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं होगा बेटा, पापा है ना, कुछ नहीं होगा। अभी से फटाफट माई की प्लेट में रख देता हूँ ताकि बाबा की रोटी माई खाए और फिर उन दोनों के बीच में प्यार बढ़े। इन बच्चों ने तो नाक में दम करके रखा है, अभी बताते हैं हम इन्हें। ए चंडल की रुक। तुम्हारी चोरी ना पकड़ी गई। अरे रुक, अब बता। अरे अरे अम्मा जी चल रहा। बेटा तुम यही रहना। चाची क्या हुआ? अरे कहाँ हो गया है तू, कैसे गिर गई? अरे वो दोस्त कृष्णा है ना, वो गिरा दे इंडिया से चल गए। काय चिल्ला रही है, बनी फिरती है बड़ी सरपंच। काजल चल जल्दी से लगा इस पे हल्दी वल्दी कुछ। जल्दी लगा, बहुत जल रहा है, नहीं छोड़ेंगे। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैया हम ठीक हैं। माई ये देखो हमने बाबा की थाली में से रोटी उठा के लाए हैं, जल्दी जल्दी से खा लो। हाँ मैया खाओ खाओ। हाँ हाँ जल्दी खाओ। मतलब तुम दोनों ने ये सब किया है? हम कोतवाल और अपने परिवार को एक करके रहेंगे। इसे खाने से आपका और बाबा का प्यार बढ़ेगा। रस्में भले ही आर्यन के साथ हो पर ब्याह तो हम ही रचाएंगे महुआ के साथ। दिन भर ज्ञान देती रहती हो, खुद से तो एक बच्चे समझ नहीं गई। वहां का गुस्सा यहां मत निकाल। बहुत दुष्ट लड़कियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए कोनो खतरनाक अपनाना होगा, नहीं तो आज जैसे तेरी रस्म रोक दी है ना, कल को तेरी शादी भी रोक देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे आज मैं गौरी को उठा सकती हूँ। तुम्हारे और मेरे रिश्ते की एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि गौरी और मेरा रिश्ता भी एक नए सिरे से शुरू हो। लेकिन काजल गौरी को आदत है कि हम ही उसे उठाए। आदत तो बदली भी जा सकती है ना, प्लीज। ठीक है, थैंक यू। गौरी बेटा उठो, दूध पी लो, चलो उठो उठो उठो। पापा का है, वो क्यों नहीं उठाने? पापा तो कृष्णा को उठाने गए हैं। कृष्णा को?
हाँ बेटा कृष्णा को। वो क्या है ना, आर्यन को कृष्णा बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगती है, आजकल उनकी फेवरेट है, इसीलिए तो मुझे यहाँ भेज दिया और खुद कृष्णा को उठाने चले गए। कोई बात नहीं, ये तुम दूर पे। वो क्या है ना, आर्यन कह रहे थे कि कृष्णा बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, वो गौरी को हर मुसीबत से बचाती है। नहीं नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि गौरी तो कृष्णा के बिना कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये लो तुम दूर पे। गौरी को कृष्णा के खिलाफ इतना भड़का दो कि ये दोनों जो बहनें बनी फिरती है ना, एक दूसरे के दुश्मन बन बैठेंगी, और फिर आर्यन को कृष्णा को घर से बाहर करना ही पड़ेगा। हाँ हम ऑन द वे हैं। राखी है और ऊपर से पूजा का मुहूर्त भी, कहीं देर ना हो जाए। तुम देख के नहीं चल सकती क्या? हम? तुम देख के नहीं चल सकते? हम फोन पे बात कर रहे थे, हमें काम होता है। अच्छा, हम तो बहुत ही फ्री हैं, हमारे पास तो कोनो काम ही नहीं है। अरे हम भी तैयारी में बिजी हैं। तुमसे ना बात करना ही बेकार। हाँ तो मत करो ना बात, हम कह रहे हैं का तुम हमसे बात करो, और वैसे भी तुम्हें तो हमसे कोनो लेना देना है ना ही। हाँ बिल्कुल, तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। अब ऐसा करोगे तुम, एकदम बेशरम हो गए हो। तुम ना बेवकूफ हो, हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा मतलब अब इसमें भी हमारी गलती? गलती हमेशा तुम्हारी होती है, क्योंकि गलती करने की आदत तुम्हारी। अच्छा तुम ना, शादी किशोर से, सिंदूर हमारे नाम का। हम जो कर रहे हैं वो अपने सिंदूर, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। कभी रिश्ते को कभी ना ही टूटने देंगे।